चलिए बढ़ते हैं, चार यूट्यूबर चार धाम की ओर। वाह वाह, चार तो देख सकते हो गाइस, मेरे पीछे जो नदी है ये टिस्टा खोला है। तो फिलहाल अभी एक तो फोगी भी है, प्लस ऊपर अभी फिलहाल पेंटिंग कर रहा है बोला। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोगों ने होटल चेकआउट कर दिया है, अभी यहाँ से दार्जिलिंग से अभी हम लोग यहाँ से सिक्किम निकलेगा चार धाम की ओर। तो यहाँ पे दोस्तों चार धाम में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, तो सभी को दर्शन हो जाएगा। तो कीप वॉचिंग, एंडिंग तक जरूर देखिएगा दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और दर्शन भी मिलेगा। तो देखते रहिए दोस्तों। तो दार्जिलिंग का नज़ारा तो आप लोगों ने देखा ही है, तो ये सुबह का नज़ारा है। तो हम लोग वैसे अभी निकल रहे हैं, बैग लेके रेडी हो गया, अब बस लोड करना है और निकलना है यहाँ से। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं दार्जिलिंग से सिक्किम की ओर। तो ये रास्ते में देखिए कितना बड़ा बड़ा पेड़ के साथ में, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसा ऊटी का जो पेड़ में दिख, ऊटी में मतलब हम लोग टीवी में देखा वाला पेड़, ऐसा लग रहा है ये हिमाचल। तो ये देखिए दोस्तों जंगल का नज़ारा कितना खूबसूरत है। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा, जैसे कि मैंने दिखा दिया आप लोगों को, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे भी आके। तो यहाँ पे आने के बाद में ये जो है, तो ये जगह का नाम है फुसरो चाप। तो यहाँ पे आइए, ये पेड़ का नज़ारा देखिए काफ़ी सुंदर है और बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं हम लोगों को वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, मेरे भी मज़ा आया और आप लोगों को शायद मज़ा आया होगा। तो ये मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग ऊटी का जंगल में चल रहे जैसे लगेगा, क्योंकि ऊटी में भी ऐसे ही कुछ जंगल है। तो कभी दिन अगर ऊटी का भी दर्शन हो, मतलब जाने का मौका मिला, तो वहाँ का भी वीडियो बना के जरूर दिखाएंगे आप लोगों को। तो अब यहाँ से चलते हैं चार धाम की ओर दोस्तों। तो देख सकते हो गाइस, मेरे पीछे जो नदी है ये टिस्टा खोला है, टिस्टा रिवर, जिसे मतलब दार्जिलिंग का बहुत ही फेमस है ये। और शायद से इसके बारे में कुछ एक गाना भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। तो टिस्टा खोला ये रहा, मैं दिखाता हूँ एक नज़र आप लोगों को यहाँ का। तो अभी हम लोग गैंगटॉक जा रहा था, तो बस यहाँ पहुँचा तो सोचा बना ही लिया जाए वीडियो, क्योंकि फेमस है। तो चलिए एक नज़ारा देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए नामची। तो यहाँ से नज़ारा देखिए, पूरा क्लाउडी, पूरा कोहरा ही कोहरा, सारा जगह ऐसा ही है दोस्तों। पूरा आजकल मॉनसून का टाइम है। तो अब यहाँ से चार धाम ज़्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर जैसा है, 9-10 किलोमीटर। अगर ये क्लाउड नहीं होता तो आज यहाँ पे बहुत ही मतलब ज़बरदस्त व्यू होना था, बट क्या करे ऐसा ही है अभी मौसम। देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुका है अभी। तो यहाँ से इंटर होना है अभी हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए टिकट का दाम लिखा हुआ है और यहाँ पे टिकट काटना है अंदर जाने के लिए, टिकट काउंटर। अब यहाँ से ऊपर चलते हैं हम लोग, साइलेंस जोन। देखिए दोस्तों ये जो है जो चार धाम का जो मैप है वो ये यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो स्टार्टिंग में शिव जी का जो है मूर्ति बनाया गया है ब्यूटीफुल तरीके से, तो वहाँ साइलेंस दिख रहा था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो अब बढ़ते आगे। तो दोस्तों आज हम लोग चार यूट्यूबर चार धाम पे आए हैं, बहुत ही मजे वाली बात है ये। तो अभी हम लोगों को ऊपर जाना है, तो यहाँ मैं जूता उता मतलब रख के आ गया, खोल के आ गया, उसके बाद अभी ऊपर बढ़ना है। तो अभी फॉगी है दोस्तों बहुत ज़्यादा, तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, फिर भी फॉगी नहीं होता तो बहुत ज़्यादा मज़ा होना था। तो चलिए बढ़ते हैं चार यूट्यूबर चार धाम की ओर। वाह वाह, चार यूट्यूबर चार धाम की ओर, सही बात। तो ये देखिए दोस्तों, ये है रामेश्वरम धाम, जो कि अभी फॉगी से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेचू बना है परशुराम जी का है, मुझे भी तो इतना मतलब भगवान का नाम लोग इतना पता नहीं है, हूँ तो इंडियन ही लेकिन पता नहीं है, बस शिव जी दुर्गा जी ये सभी पता है। तो यहाँ पे देखिए सुंदर से बनाया है ये परशुराम जी, और यहाँ पे रामेश्वरम धाम। तो दोस्तों हम लोग अगर पहुँच ही गए चार धाम, तो ये देखिए अभी फिलहाल दोस्तों फोगी ने पूरा बर्बाद कर दिया हम लोगों का ये जो मतलब देखने का ख्वाहिश था अच्छा से, ये पूरा हट गया, क्योंकि अभी फोगी ने पूरा बिगाड़ दिया सब। अभी पूरा फोगी हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से उस तरफ तक।
नहीं अगर फॉग नहीं होता तो पूरा वहाँ से अच्छा से दिखाई दे रहा था सब कुछ। अब क्या करें दोस्तों, ऐसा ही है नज़ारा। तो अभी यहाँ से देखते हैं कुछ कुछ भगवान जी का टेम्पल्स वगैरह, उसके बाद देखते हैं अंदर भी घुस के। तो बने रहे दोस्तों वीडियो में। गाइस अब एंटर हो रहा है, आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर का नज़ारा। तो ये देखिए दोस्तों द्वारिका धाम, अभी जाना है अंदर। अच्छा आ जाओ दोनों चलो। ये है साई टेंपल, चलते हैं अंदर। देखिए नंदी जी, तो ये देखिए दोस्तों शिव जी का जो टेंपल है वो बनाया जा, मतलब जो मूर्ति है वो बना रहा है इधर में, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लग रहा है। तो अभी वैसे भी फोगी है दोस्तों, दिखाई तो नहीं दे रहा अच्छा से, फिर भी देखिए भगवान का दर्शन ले लीजिए यहाँ से भी। तो मेरे प्यारे भक्त जनों, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये रहा यहाँ पे शिवलिंग बनाया है। तो ये है दोस्तों बद्रीनाथ धाम, जो अभी बंद रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे बद्रीनाथ धाम, तो यहाँ से गेट बंद रहा होगा, अंदर जाके तो देख सकते हैं। अभी उस तरफ से चलते हैं अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जगन्नाथ धाम, चलते हैं अंदर की ओर। तो मेरे प्यारे भक्तजनों, बस एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, मतलब अभी जो कंप्लीट हो रहा है थोड़ा मज़ा नहीं आया ये हम लोगों को भी, आप लोगों को ऐसा दिखाना, क्योंकि अगर ये कंप्लीट होता तो सब लोग अच्छा से मतलब दर्शन ले पाता। तो फिलहाल अभी एक तो फोगी भी है, प्लस ऊपर से अभी फिलहाल पेंटिंग वेंटिंग कर रहा है बोला, तो उसके लिए माफ़ी चाहते मेरे प्यारे भक्तजनों। तो फिर कभी और दिन नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को मैं दिखाऊँगा ये चीज़, क्योंकि
इतना प्यारा सब इतना मतलब खूबसूरत से बनाया गया था शिव जी को, लेकिन दोस्तों क्या करें। तो चलिए दोस्तों अब फिलहाल यहीं से आप आशीर्वाद ले लीजिए। तो ये है दोस्तों थोड़ा अच्छा से यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं। देखिए अभी थोड़ा मतलब कलर कर रहा है बोला शिव जी का उसमें। तो ये रहा